में इस वक्त सर्वदलीय बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में पहुंचे, जनसत्ता दल अध्यक्ष राजा भैया भी बैठक में पहुंचे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में पहुंचे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना मौजूद। बीएसपी से उमाशंकर सिंह भी बैठक में पहुंचे हुए हैं, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद भी हैं। इसके अलावा अपना दल कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल भी बैठक में मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अलाउद्दीन, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अलाउद्दीन, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और कह सकते हैं कि कल से जो शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होना है उससे पहले यहां पर काफी महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, 11:30 पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई जो कि करीब 1 घंटे चली। अब 12:30 से बैठक चल रही है सर्वदलीय बैठक की। ठीक मेरे पीछे जो रूम है, जरा कैमरा जूम करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि नेता सदन है वो मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसा कि आपने बताया डॉक्टर मनोज पांडे हैं, बाकी सभी दलों के नेता वहां मौजूद हैं। क्योंकि नई नियमावली के साथ इस बार सदन की कार्यवाही कल शुरू होगी, तो हालांकि कुल 4 दिन का सदन है लेकिन उसमें साफ तौर से आप देखें तो पहला दिन क्योंकि जो विधेयक हैं और विधायक हैं जिनका निधन हुआ है उन पर निधन पर प्रस्ताव पास करके एडजर्न कल हो जाएगी। इसके बाद 3 दिन की सदनी कार्रवाई कुल है, लेकिन नई नियमावली के साथ साथ ये देखने वाली बात होगी जो पिछले 65-66 सालों में नियमावली थी उसको विधानसभा ने चेंज किया है। जो अपोजिशन है उनके लिए कुछ नए रूल रेगुलेशन लागू हुए हैं, उन रूल के साथ इस बार सदनी कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि अभी जब कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही थी तो उसमें अपोजिशन ने इस बात को उठाया था कि सदन की जो कार्रवाई है वो क्योंकि 3 दिन ऑफिशियली चल रही है, पहले दिन अनुपूरक बजट आ जाएगा, दूसरे दिन कुछ विधेयक आएंगे, तीसरे दिन नेता अपोजिशन, फिर नेता सदन बोलेंगे, तो ऐसे में वक्त को लेकर के वक्त की कमी को लेकर के अपोजिशन एक सवाल उठा रहा था कि इस वक्त को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मेरे ठीक पीछे जो रूम है जहां पर सर्वदलीय बैठक चल रही है जिसमें खुद नेता सदन मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं जिनको इस बात का फैसला लेना होता है कि आखिर सदन की कितनी कार्रवाई चलाई जाए, और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद है। तो ऐसे में जो है जो अपोजिशन की मेन मांग है वो सदन की कार्रवाई या समय को बढ़ाए जाने की मांग है। तो ऐसे में 3-4 मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं कि नई संसदीय प्रणाली के साथ परंपरा के साथ कल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन क्या रास्ता अख्तियार करेगा, क्योंकि उनको मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध होगा, जो होर्डिंग्स हैं बैनर्स हैं वो ले जाने पर प्रतिबंध होगा, जो वॉल है वहां पर जाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो ऐसे में उनका विरोध का क्या तरीका होगा, क्या तरीका अपनाएंगे वो ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सदन की कार्रवाई क्योंकि 3 दिन ऐसे ऑफिशियली 4 दिन है लेकिन जो वर्किंग जो है डेज हैं वो 3 होंगे, तो उनमें क्या क्या काम हो पाएंगे वो देखने वाली बात है। और क्या सदन की कार्रवाई जो कि 1 तारीख तक चलनी है क्या समय उसमें बढ़ाए जाने की मांग जो अपोजिशन की तरफ से उस बात को भी क्या माना जाएगा, ये बात भी देखने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है, क्या तैयारी यहां पर विपक्ष की देखने को मिल सकती है इस शीतकालीन सत्र की हम बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई होगी कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। देखिए विपक्ष आमतौर से रोजगारी बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है सरकार को घेरेगा, साथ में कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो है गन्ना किसानों का मुद्दा है, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ साथ जो मुद्दे ऐड हुए हैं उसमें समय को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया जाएगा कि इन 3 दिनों के जरिए से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं इन 3 दिनों में नहीं कही जा सकती बताई जा सकती हैं, तो ये सारे मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। तो अपोजिशन के जो मुद्दे हैं पुराने उन मुद्दों के साथ साथ कुछ नए मुद्दे जुड़ेंगे, तो ऐसे में वक्त को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर इस बार अपोजिशन है। और शुरू से जो कार्य मंत्रणा की बैठक जब हो रही थी तब से लेकर अब तक सर्वदलीय बैठक में जाने से पहले भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इसके अलावा जो अपोजिशन जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्यतः आती है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, हालांकि उनकी विधायकों की तादाद कम है, वो इस मुद्दे पर हमलावर सरकार पर दिखाई दे रहे थे कि वक्त को किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले दिन 12:30 जिस तरह से अनुपूरक बजट आएगा और उस बजट के ठीक बाद अगले दिन कुछ विधेयक सरकार रख देगी और उसके अगले दिन तीसरे दिन नेता अपोजिशन या जितने नेता अपोजिशन के वो बोलेंगे, फिर नेता सदन बोलेंगे और एडजर्न कर दी जाएगी विधानसभा। तो ऐसे में समय को बढ़ाए जाने की बेहद सख्ती से जो है अपोजिशन मांग कर रहा है, और अगर ये समय नहीं बढ़ाया जाएगा तो सदन की कार्रवाई के दौरान भी ये मुद्दा साफ तौर से तमाम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समेत जो अपोजिशन के लोग हैं उस बात को कह करके जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सरकार जानबूझ करके सदन को ज्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आज से बागियों की बीजेपी में वापसी होगी, निकाय चुनाव में निकाले गए पार्टी के कार्यकर्ताओं की वापसी बीजेपी में आज होने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में
12 बजे बागियों समेत दूसरे दलों के नेताओं को सदस्यता दिलवाई जानी थी। तो 12 बजे का ये वक्त था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र सदस्यता दिलवा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक जो कि जारी है इस वक्त, और यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। लेकिन सर्वदलीय से बैठक से पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सभी दलों के मुखिया, सभी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। सभी दलों के नेता पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो सर्वदलीय बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी खबर, इससे इतर दूसरी खबर आपको बता दें कि 12 बजे का वक्त था कि बीजेपी की सदस्यता दिलाई जानी थी कई बागियों को, और इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा। संकेत बताइए, क्या जानकारी? तो अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि आज बीजेपी ऑफिस में ये कार्यक्रम रखा गया है। बागियों की बीजेपी में वापसी हो रही है और बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलवाई जा रही है।